Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध के पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार की है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माता श्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जैसी आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है, आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वो शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। तब गांधारी कहती हैं, क्या युधिष्ठिर का? तब भगवान कहते हैं, नहीं माता, राधेय था ज्येष्ठ कौंतेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। तब भगवान कहते हैं, इसीलिए यह मत सोचिए कि माता, आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर भगवान श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ भगवान श्री कृष्ण को दिखाई देता है। भगवान हंसते हुए कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में आपने अपने वस्त्र कहाँ छोड़ दिए, और आपका मुंह तो माता गांधारी के शिविर की तरफ है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है, माता श्री का यही आदेश था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तो तुम्हारी माता हैं, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। यह कहते हुए भगवान वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और वो अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि माँ, मैं स्नान करके आ गया। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। बाद में गांधारी देखती है, ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? दुर्योधन कहता है कि माँ, मैं आपके सामने नग्न कैसे आता? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वो कहती है, तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी दुर्बल रह गया पुत्र, शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजेय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है, मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती हैं, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है, आप चिंता न करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा, और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसे इतनी मार मारूंगा कि वो घबरा कर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, लेकिन अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़ कर उसका वध कर देता है।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.